नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप IQ Z7S मोबाइल में किसी भी ऐप को कैसे हाइड कर सकते हो, यानी कि छुपा सकते हो, उसके बाद कैसे देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर जाना होगा। एंड इस पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा, जो भी आप रखना चाहते हैं उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐप हाइडिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ऐप हाइडिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है आपको यहाँ पर व्यू हिडन ऐप्स, इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर जिस भी ऐप्स को आपको हाइड करना है उसको हाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने फेसबुक को हाइड करना है तो फेसबुक को हाइड कर दिया, ड्राइव को हाइड कर दिया, और यहाँ पर और भी ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना कैसे, ये ऐप्स आपके तो हाइड हो जाएंगे, अब आपको देखोगे कैसे। तो देखने के लिए आपको दो फिंगर को रखना है ऊपर होम स्क्रीन पर, ऊपर की सब ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, यानी कि दो फिंगर आपको होम स्क्रीन पर रखना है और स्वाइप करना है। इस तरीके से पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड डाल दीजिए, देखिए आपके हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो और उसको देख सकते हो।